आप जो ये रंग बिरंगे प्यारे प्यारे कलरफुल स्टोन देख रहे हैं, इसे हमने मार्केट से परचेज नहीं किया है, घर पे बनाया है, बहुत ही आसानी से बनाया है और ये बहुत ही लो बजट क्राफ्ट है, तो इसे आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने घर में पड़े पॉलीथीन का यूज किया है, ये हमारे घर में होते ही होते हैं, तो हमने इसी का यूज किया है। और दो तीन पॉलीथीन को एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम उसे एक धागे की हेल्प से बांध देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा स्टोन बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलीथीन लेनी है और उसे एक दूसरे के ऊपर रख के लपेट लेना है और उसके बाद किसी भी धागे की हेल्प से उसे हम बांध लेंगे। और मैंने इस तरह के 7 बेस बनाए हैं, तो आपको जितना स्टोन बनाना है उतना आप बना सकते हैं। उसके बाद हम इसे बॉल पुटी से कवर करेंगे, तो बॉल पुटी का डो का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बॉल पुटी को हम किसी भी प्लास्टिक सीट पर रख के बेल लेंगे और उसके बाद हम बॉल पुटी से इसे कवर करेंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और आगे की साइड देखिए, इस तरह से कवर करने के बाद हम पीछे भी थोड़ा सा बॉल पुटी रखेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे और पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे और जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तब हम इस पर कलर करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना और ये जो क्राफ्ट है वो कोई बच्चा भी बना सकता है। तो अगर आपने अभी बॉल पुटी से क्राफ्ट बनाना शुरू किया है तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्राफ्ट है, बड़ी ही आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा बेस बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है, तो अब हम इस पर कलर करेंगे और कलर हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे, हमें जो भी कलर पसंद है हम उसी कलर से करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से कलर कर रही हूँ, तो अगर मैंने जिस तरह से इस स्टोन को कलर किया है आपको भी अगर पसंद है तो आप प्लीज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये क्राफ्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।
मेरा लास्ट स्टोन भी कलर कर लिया है। और अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्टोन सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।